हेलो एवरीवन, हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद यदि आपको काफ़ी थकान महसूस होती है तो यह खास फूल से बनी चाय आपका थकान मिटाकर आपको स्वस्थ रखेगी और यह आपके मूड को फ्रेश रखेगी। भारत में बहुत से लोग चाय के शौकीन होते हैं। चाय को लेकर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को ग्रीन टी, किसी को ब्लैक टी, किसी को लेमन टी और किसी को दूध वाली चाय पसंद होती है। आज हम आप लोगों के साथ एक अलग टेस्ट वाली और एक अलग रंग वाली चाय शेयर करेंगे और वो है ब्लू टी। आज हम बात करेंगे ब्लू टी कैसे बनता है और इसका स्वाद कैसा होता है, और सबसे बड़ी बात यह आपके लिए गजब का फ़ायदेमंद चाय है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक छोटी सी घंटी आएगी उसे दबाकर आल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। ब्लू टी को फूलों से तैयार किया जाता है। यह डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ये चाय अपराजिता के फूलों से बनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये अपराजिता का पौधा है और ब्लू टी इन्हीं अपराजिता के फूलों से बनाई जाती है। ये चाय हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। अपराजिता के इन फूलों को शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता के फूल के जड़, पत्ते और बीज सभी हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसे कई तरह से औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपराजिता के फायदे का वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसे खाने का रंग बदलने या फिर रंग बिरंगे चावल बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अपराजिता के फूल को सुखाकर उसका पाउडर बना लें। इसके बाद आप जिस भी खाने का रंग बदलना चाहते हैं उसमें एक चम्मच पाउडर मिला दें और खाने का रंग बिल्कुल नीला हो जाएगा। इसे आप रंग बिरंगे शरबत बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अपराजिता के फूलों को सुखाकर इसका पाउडर बना लें। एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी मिलाएँ और एक चम्मच अपराजिता के फूल का पाउडर मिलाएँ। बस आपका नीला शरबत बनकर तैयार हो गया। अगर इसका रंग गुलाबी करना चाहते हैं तो इसमें एक नींबू का रस भी डाल दें और आपका ब्लू शरबत बनके तैयार हो गया। अपराजिता की चाय बनाने के लिए हम अपराजिता के फूल तोड़ लेते हैं। आपको जितना चाय बनाना हो उसी अनुसार आपको फूल भी लेना होगा। इसके चार पांच फूलों से आपका एक कप चाय आसानी से बन जाएगा। तो अब हम इसके फूल तोड़ लेते हैं। हमने इसके फूल तोड़ लिए हैं। सबसे पहले इसे हम अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। सारे फूलों को हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें हम दो गिलास पानी डालेंगे। हम दो कप चाय बना रहे हैं तो हम इसमें दो गिलास पानी डालेंगे, एक गिलास। और अभी हम दूसरा गिलास भी पानी इसमें डाल देते हैं। पानी को हम गर्म होने देते हैं। अब पानी उबल रहा है। अब इसमें हम अपराजिता के फूल डाल देंगे। हमने पैन में दो गिलास पानी डाला है तो अब हम इसमें सात आठ फूल अपराजिता के डाल देते हैं और इसे हम 6-7 मिनट तक उबलने देते हैं। इसे हमें तब तक उबालना है जब तक पानी का रंग बिल्कुल नीला ना हो जाए और चाय अच्छे से पक ना जाए। जब तक चाय उबल रहा है तब तक हम ब्लू टी के फायदे जान लेते हैं। शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है ब्लू टी। ब्लू टी पीने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन खासकर शुगर के रोगियों के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। एक कप ब्लू टी पीने से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, जिससे आप डायबिटीज़ की समस्या से बच सकते हैं। वजन घटाता है चाय। वजन घटाने के लिए इस चाय का उपयोग सुबह सुबह कर सकते हैं। इसके लिए सुबह एक कप ब्लू टी खाली पेट पिएं। आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपका वजन कम हो रहा है। फैट बर्न करने में यह चाय काफ़ी फायदेमंद है। आँखों की रोशनी बढ़ाता है ब्लू टी। नीला चाय पीने से आँखों की रोशनी बढ़ सकती है। कम उम्र के बच्चों को अगर चश्मा लग गया है तो उन्हें भी ये ब्लू टी पीना चाहिए। साथ ही साथ यह चाय आँखों की थकान, जलन और सूजन को कम करता है। बॉडी को डिटॉक्स करता है ब्लू टी। यह ब्लू टी शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी कारगर है। बालों के लिए फायदेमंद है यह चाय। ब्लू टी में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं, इससे यह हमारे स्किन और बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। दिल को हेल्दी बनाता है ब्लू टी। ब्लू टी का अगर रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है, जिससे दिल की कई बीमारियाँ दूर होती हैं।
झुर्रियों को कम करता है ब्लू टी। अगर आप अपने डेली रूटीन में इस चाय को शामिल कर लें तो ब्लू टी पीने से चेहरे की झुर्रियाँ कम हो सकती हैं, चेहरे पर होने वाले फाइन लाइंस और बढ़ती उम्र के निशान से भी छुटकारा मिल सकता है। एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करता है। ब्लू टी में मौजूद एमिनो एसिड सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। इसके नियमित सेवन से डिप्रेशन और एंजाइटी कम किया जा सकता है। यही नहीं, यह तनाव को भी दूर करता है। आप चाहें तो इसी समय इसमें चीनी भी डाल सकते हैं 2-3 चम्मच, या फिर शहद भी डाल सकते हैं। ब्लू टी को हमने 7 से 8 मिनट तक कुक कर लिया है। अब ये बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल नीला हो गया है और चाय अच्छे से पक भी गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम छान लेते हैं। अब चाय को हम 2 गिलास में छान लेंगे। हमने इसमें 2 गिलास पानी रखा था, जिसमें से कुछ पानी जल गए हैं और ये आधा आधा गिलास ही चाय बचा है। हमें इतना ही चाय रखना है। अब गरम गरम चाय में ही हम 1-1 चम्मच चीनी डालेंगे। शुगर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसमें शहद भी डाल सकते हैं। जो लोग चीनी पसंद नहीं करते हैं वो शहद डाल के भी ब्लू टी पी सकते हैं। अब चीनी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे चीनी अच्छे से गल जाए। आप चाहें तो इसे ऐसे ही पी सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। इसके लिए हमने 1 नींबू लिया है। इसे हम काट कर आधा आधा नींबू इसमें डाल देते हैं। नींबू डालने से इसका कलर थोड़ा पिंक हो जाता है। और अगर चीनी पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें नमक डालकर भी इसे पी सकते हैं। अब गर्मा गर्म अपराजिता की चाय सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। अपराजिता की चाय पीने में टेस्टी भी होता है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, इसे बनाएं और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपने इसे कैसे बनाया। ये बहुत ही ईजी है। अपराजिता की चाय आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे अवश्य पिएं। जैसे आप रोज़ाना की चाय पीते हैं उसी तरह से सुबह 1 कप इसे पिएं और 1 कप रात को भी पी सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, यानी 1 दिन में आप 2 कप चाय पी सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका सेवन ना करें, नहीं तो ये आपका नुकसान भी कर सकता है। ब्लू टी आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर अपराजिता का फूल है तो आप इसका चाय बनाकर अवश्य ट्राई करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 2 सेकंड मुझे देकर हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और इसे व्हाट्सएप फेसबुक पर और लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू।